अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नवाबी फूड्स। आज मैं आपको इमली की चटनी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत खट्टी मीठी और बहुत इसका टेस्ट होता है। ये आप ज़रूर बनाइएगा। ये आप टिक्के के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। और जैसे हमारे घर में ये बनती है मछली वगैरह, फिश बनती है, तो उसके साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की होती है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और बनाना है। ये मेरे पास इमली का पेस्ट है, ये दो बड़े चम्मच चीनी है, ये काली मिर्च है थोड़ी सी आधा चम्मच, और ये थोड़ा सा नमक डालना है आपने। ये मेरे पास इमली का पेस्ट है, ये ले लेना है आपने। ये मेरे पास दो बड़े चम्मच चीनी के हैं, ये थोड़ी सी आधा चम्मच छोटा वाला ये काली मिर्च है, ये थोड़ा सा नमक आपने डालना है। मेरे पास वाइट नमक है, आप काला नमक भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा टेस्ट बनता है। ये चार जवे मेरे पास ये लहसुन के हैं और एक लेमन का जूस है। ये चटनी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इमली का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं ये चीनी डालने लगी हूँ। ये देखें, ये चीनी डाल दी इसमें, ये नमक और काली मिर्च डाल दें, ये डाल दी है, ये लेमन का एक लेमन का जूस है ये डाल दें। ये जो जवे हमारे पास लहसुन के थे ये वाले डाल दें। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, देखें कितनी प्यारी तैयार हो गई है। ये खट्टी मीठी चटपटी और बहुत मज़े की बनी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अब मैं आपको बाउल में डाल के दिखाती हूँ। देखें मैं बाउल में डाल रही हूँ, ये देखें दिखने में इतनी प्यारी लग रही है, ऐसे खाने में भी बहुत मज़े की है। ये देखें बाउल में मैंने डाल दी है। देखें कितनी प्यारी लग रही है चटनी, मैंने बाउल में डाल दी है। आप मेरे चैनल को ज़रूर देखना, पूरी रेसिपी देखना, जैसे मैंने इसमें बनाई हैं चीज़ें डाली हैं, आपने पूरी देखनी है।